दिनेश जमुना, जमुना ठीक है, जमुना कहां से रही है? बंदरपुर स्टेशन, ठीक है ठीक है। तो जमुना रही है बंदरपुर से, कहां से जा रही है? प्रयागराज से जा रही है कि नहीं? सही है, गाइडेंस से जा रही है, वही पे तो मिल जा रही है गंगा से। संगम कहां है? प्रयागराज में। किन नदियों का? गंगा, जमुना और सरस्वती। सरस्वती नदी है? है? पता नहीं। सरस्वती अदृश्य है ठीक है ना, तो बेसिकली अदृश्य नहीं है। ये रिवर कौन सी है आपकी? आपको हमने बताई थी एक रिवर कौन सी जो हम बता रहे थे आपको, मालवा प्लेन, मालवा प्लेन बताया थे। तो सतलज और घग्गर क्या जा रहा है? मालवा प्लेन बताए थे। तो सतलज और घग्गर के बीच में कौन सा प्लेन था? मालवा प्लेन था। क्या था? मालवा। तो कहा जाता है ऐसी मतलब रिपोर्ट है कि जो घग्गर रिवर है वही क्या सरस्वती है, क्योंकि पहले अरावली रेंज नहीं बना था तो वही घग्गर रेंज कहां, घग्गर रिवर कहां, सरस्वती कहां आ रही थी, इधर की तरफ आ रही थी। लेकिन जब अरावली बन गया तो वो रिवर किधर, उसका भी पास चला गया चैनल, और ये घग्गर सब हो गया ठीक है ना, वेस्टर्न साइड चला गया ईस्ट ठीक है। तो अब सरस्वती रिवर नहीं है, अब वो क्या मानी जाती है यहाँ पे अदृश्य ठीक है। तो संगम कहां होता है? प्रयागराज ठीक। तो यमुना आई दिल्ली किससे? प्रयागराज। कहां से? यमुना। यमुनोत्री से कहां गई? प्रयागराज में एंड होती है ठीक है ना। इसकी एक रिवर है यहीं से निकलती है बद्रपुर से, और वो कौन सी है? टोंस। कौन? टोंस। और टोंस मिलती है जाकर देहरादून में। कहां पर? देहरा। यहां पर एक जगह है कालसी, जगह का नाम काशी, वही काशी है जहां पर अशोक के क्या मिले मिले। अभी आपको कुछ नहीं पढ़ेंगे तो आपको अशोक के अभिलेख के बारे में पता चलेगा। अशोक के अभिलेख कहां मिले? आठ जगह मिलेंगे, उन आठ में से एक जगह कौन सी है? काशी ठीक। तो काशी 17-18 किलोमीटर दूर है कहां से? देहरादून ठीक। तो कह सकते हैं हम देहरादून और दूसरे जगह कह सकते हैं काशी ठीक। तो हिस्टोरिकल अगर रेफरेंस देखा जाए तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट रिवर है कि नहीं? यहाँ पर दिल्ली ठीक। इसके बाद तो इसके बाद इस बार आ रही है विंध्य रेंज से चंबल। कौन सी आ रही है? चंबल विंध्य कह रहे हैं। हाँ ये विंध्य से आ रही है। यहाँ पे जनापाव हिल्स है, वो विंध्य का एक पार्ट माना जा सकता है जनापाव हिल्स। वहां से कौन सी रिवर आ रही है? चंबल। और इटावा के पास, इटावा इटावा में बल्कि कौन से रिवर मिलेंगे? गंगा से चंबल। कहां से मिलेंगे? चंबल। चंबल की एक ट्रिब्यूटरी है बानस। कौन सी? बानस। बताए थे बताए कि नहीं? जब हम बता रहे थे आपको क्या मेवाड़ टैपिंग बताया थे क्या? बानस रिवर तो ट्रिब्यूटरी है इसकी चंबल। और चंबल पे एक रिवर और मिल रही है, वो है कौन सी? शिप्रा। कौन सी? तो उज्जैन किस पर है? उज्जैन किस पर है? शिप्रा पर ठीक है। उज्जैन है तो महाकालेश्वर किस पर है? शिप्रा पर। शिप्रा ठीक है। और उसके बाद दो रिवर, एक रिवर है आपकी विंध्य रेंज से निकलती है, सिंध रिवर ठीक है। ये भी निकलती है बिल्कुल कहां से? जहां से निकलती है? चंबल ठीक है। तो चंबल सिंध और दो रिवर और है और वो है कौन सी?
पेटवा और पेट, ठीक है, पेटवा और पेट। तो यहां पे है आपका पेटवा और यहां पर है आपका, ठीक है, जैसे बनेगी तब उसकी रहेगा, यहां पर लिखिए पेटवा और यहां पर लिखिए पेट। पेट मिलती है बांदा में और आपकी ये कौन सी है पेटवा, पेटवा मिलती है हमीरपुर में। तो यमुना की कितनी ट्रिब्यूटरी हो गई, चंबल सिर्फ पेटवा के, चंबल की दो ट्रिब्यूटरी अपने और बता दी, एक बताई मानस एक बताई शिप्रा, शिप्रा पर क्या है उज्जैन, यहां पर क्या है महाकाल, देहरादून में मिली टोंक रिवर, कौन सी है टोंक, ठीक है, तो इसको आप लोग करा लीजिए।